हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर 18 का। मैंने देखिए इस पूरी थ्योरी को डायग्राम में लिखने की कोशिश करी है। इसके नोट्स मैंने प्रॉपर नहीं बनाए हैं, क्योंकि आप अगर इस डायग्राम को समझ लेंगे ना तो आप खुद लिख लेंगे, ज़रूरत नहीं है। जो इसमें लिख रहा है वो बहुत ही आसान है, आप खुद अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, इसको समझने के बाद आप खुद लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। किसका बना हुआ होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? मस्कुलर चैम्बर होता है ये एक, और इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड द फ्लूड विच इज सर्कुलेटेड। क्या होता है ये नेटवर्क? किसका होता है? क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैसी होती हैं? क्लोज होती हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है। हर्ट द मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन। हर्ट कहाँ से ड्राइव्ड है? हर्ट किस लेयर का बना होता है? मीजोडर्मल लेयर का। तो हर्ट मीजोडर्मल ड्राइव्ड ऑर्गन है, सिचुएटेड इन द थोड़े से कैविटी इन बिटवीन द टू लंग्स। कहाँ पर होता है ये? थोड़े से कैविटी के बीच में होता है, सॉरी थोड़े से कैविटी में होता है, एंड दोनों लंग्स के बीच में होता है। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, ये थोड़ा सा लेफ्ट की साइड में टिल्ट होता है। इट हैज द साइज ऑफ अ क्लैंच फिस्ट। इसका साइज कैसा होता है? क्लैंच फिस्ट, मुट्ठी के आकार का इसका साइज होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम। इसकी ये जो कवरिंग होती है हर्ट, किससे प्रोटेक्ट रहता है? एक डबल वॉल्ड लेयर, हर्ट के बाहर एक और लेयर होती है, उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और हर्ट की जो पेरिकार्डियम लेयर है, इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियम फ्लूड भरा हुआ होता है। देखो लिख रहा है यहाँ, एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूड। अवर हार्ट हैज फोर चैम्बर, टू रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स कॉल्ड एट्रिया। हमारे हार्ट में फोर चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं वो एट्रिया कहलाते हैं, और नीचे वाले चैम्बर्स वेंट्रिकल कहलाते हैं। सभी जानते हैं राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियम सेप्टम सेपरेटेड द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। एक थिन मस्कुलर वॉल होती है। वॉल कैसी होती है? थिन होती है। ये वाली एट्रिया की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन होती है, जो दोनों एट्रियम को एक दूसरे से अलग करती है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को अलग करती है। कैसी होती है? थिन मस्कुलर लेयर होती है ये। इंटर एट्रियल सेप्टम, इसे क्या कहते हैं? दोनों एट्रियम के बीच है इसलिए इसे क्या कहते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। उसके बाद वेयर इज अ थिक वॉल्ड, अ थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। कौन सी थिक होती है? जो वेंट्रिकल की लेयर होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। इंटर वेंट्रिकुलर लेयर क्या कहलाती है? सॉरी इसी को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ये कैसी होती है? इसके कंपेरिजन में थिक होती है। वेंट्रिकल की लेयर एट्रियम की थिन होती है। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो एट्रियम है और वेंट्रिकल है, एट्रियम और वेंट्रिकल ये भी एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं। किसके द्वारा सेपरेटेड रहते हैं? ये इसको कहते हैं हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये एट्रिया हो गया, ये वेंट्रिकल हो गए, इन दोनों के बीच जो लेयर होती है उसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और एट्रिया की जो लेयर थी वो इंटर एट्रियल सेप्टम, और जो वेंट्रिकल की थी वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल आर ऑल्सो, ये हो गया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। हाउअर ईच ऑफ दीज सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग थ्रू विच द टू चैम्बर्स आर द सेम साइड आर कनेक्टेड। क्या होता है? इन दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक चैम्बर होता है जिससे ये ब्लड पास आउट होता है। जो ब्लड होगा वो एक लेयर में बिल्कुल सीक्वेंस में ब्लड जाता है एट्रियम से, ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। ओके, एट्रिया हर ईच ऑफ द सेप्टा आर प्रोवाइड ओपनिंग, द टू चैम्बर आर सेम साइड आर कनेक्टेड। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल फॉर्म अ थ्री मस्कुलर फ्लैप और कप्स। जो राइट एट्रियम की जो ओपनिंग होती है वो किसकी बनी हुई होती है? उसमें थ्री वाल्व होते हैं, थ्री मस्कुलर फ्लैप होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? थ्री है इसलिए क्या हो गया ये? ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो लेफ्ट होती है उसमें दो होते हैं इसलिए उसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। उसका नाम मिट्रल वाल्व भी होता है, किसी भी नाम से आ सकता है। एग्जाम में मिट्रल वाल्व के बारे में बताओ, या मिट्रल वाल्व कहाँ होता है, या बाइकस्पिड वाल्व क्या कहाँ होता है,
तो लेफ्ट साइड में होता है हमारा वो बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व, और राइट साइड में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। वैसे बाइकस्पिड बता दिया मैंने, ये मिट्रल वाल्व बिटवीन लेफ्ट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इन टू द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन टू द, किस में होगी इनकी ओपनिंग, इसमें होगी पल्मोनरी आर्टरी और aorta, हमें देखते हैं क्या लिखना है। द ओपनिंग ऑफ द वेंट्रिकल इन पल्मोनरी आर्टरी एंड aorta रेस्पेक्टिवली। देखो जैसे लिख रहा है, राइट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग होती है वो पल्मोनरी आर्टरी में होती है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है वो aorta में होती है। विद द सेमिनुलर वाल्व, इन वाल्व को क्या कहते हैं, सेमिनुलर वाल्व। यहाँ पर जो वाल्व होते हैं उन्हें सेमिनुलर वाल्व भी कहते हैं। द वॉल्स इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। जो वॉल्व्स हैं, यहाँ भी वॉल्व हैं, यहाँ भी वॉल्व हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, इनकी हेल्प से एक तो ओपनिंग हो जाती है जिससे कि एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है, और एक डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो बना रहता है। द वाल्व इन द हार्ट अलाउ वन डायरेक्शन दैट इज फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी टू aorta। दीज वाल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। ये वाल्व क्या होते हैं और क्या काम होता है इनका, ये वाल्व जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में चला गया और वेंट्रिकल से ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, तो ये बैकवर्ड ब्लड होने से बचाते हैं। ये इसीलिए होते हैं, ये बंद हो जाते हैं जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया, और जब वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया तब बंद हो गया, तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं। अब देखो ये प्रोसेस आपको मैंने जो बताई समझ में आई होगी, तो मेरे को इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आपको जैसे जैसे मैंने डायग्राम में बताया डायग्राम में क्या क्या है, तो उसकी हेल्प से आप खुद एग्जाम में लिख सकते हैं कि हार्ट की बाहर एक लेयर होती है, हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, और जो लेयर होती है और हार्ट के बीच में एक पेरिकार्डियम फ्लूड भरा होता है। हार्ट में, हार्ट दो भागों में डिवाइड होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल। एट्रियम भी दो भागों में डिवाइड होता है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, और सॉरी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। और वेंट्रिकल भी दो भागों में डिवाइड होता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम की जो लेयर होती है, दोनों को अलग करने वाली राइट और लेफ्ट को, वो थिन होती है, और वेंट्रिकल की जो लेयर होती है वो थिक होती है। अब हाँ इनमें वॉल्व्स के बारे में बताते हैं। वॉल्व होते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जो वॉल्व होते हैं वो ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो लेफ्ट में होते हैं वो बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। अब ब्लड एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है किसकी हेल्प से, ये जो वॉल्व होते हैं इनकी हेल्प से, और ये वॉल्व बंद हो जाते हैं जब ब्लड फ्लो हो जाता है। राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट से एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, तब ये वॉल्व बंद हो जाएंगे जिससे कि ब्लड बैक फ्लो होने से बचेगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, तब ये वॉल्व बंद हो जाएंगे जिससे कि ये ब्लड बैक फ्लो होने से बचेगा, और इनको सेमिनुलर वॉल्व भी कहते हैं। गाइस कुछ और रह गया, हाँ ये लेयर रह गई, इस लेयर को क्या कहते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल भी एक दूसरे को अलग करते हैं एक लेयर से, उसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो मैंने आपको जितना भी बताया उसका पूरा बता दिया, आपको इसी तरीके से याद रखने की कोशिश करना, और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिखाना, टोटल मार्क्स मिलेंगे। द एंटायर, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। पूरा जो हार्ट होता है वो किसका बना हुआ होता है, कार्डियक मसल्स का। पहले ही बताया था मस्कुलर होता है फर्स्ट लाइन में ही। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। जो वेंट्रिकल की वॉल होती हैं वो थोड़ी थिक होती हैं एट्रिया के कंपेरिजन में, ऐसा क्यों होता है ये आएगा आगे। अ स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लेफ्ट हार्ट। लेफ्ट हार्ट में, लेफ्ट साइड में क्या होता है, एक नोडल टिश्यू होता है ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, कॉल्ड द पैच ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट, वेट अ सेकेंड। अ स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। अ पैच ऑफ दिस टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। ये जो टिश्यू की बात कर रहा है, नोडल टिश्यू कहाँ होता है, राइट साइड में, और राइट साइड के भी, और राइट साइड में, राइट एट्रियम के भी राइट साइड में होता है नोडल टिश्यू का बना हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं हम, साइनो एट्रियल नोड, SAN, इसे पेसमेकर भी कहते हैं।
ओके देखो ये लिखा पूरा पेसमेकर कहते हैं और ये नोडल टिश्यू का बना होता है ऐसे एन साइनो एट्रियल नोड। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। जो इसका एक और है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है क्लोज टू द वेंट्रिकल एंड इसका लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है एट्रियम के। तो इसे क्या कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड AVN। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड विच पासिस थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमिडिएटली डिवाइड इंटू अ राइट एंड लेफ्ट बंडल। क्या दे रखा है इसमें एक बंडल होता है नोडल फाइबर्स का। बंडल का मतलब समझते हैं ना, बंडल से बहुत सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं एक बंडल बना देती हैं। तो यहाँ किसके बंडल की बात हो रही है नोडल फाइबर के बंडल की बात हो रही है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। यहाँ से निकलता है जो नोडल बंडल के टिश्यूज हैं वो यहाँ से निकलते हैं हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से। ओके सेप्टा इमर्ज टू द टॉप ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली देखो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पर प्रेजेंट होता है और वहाँ से इमीडिएटली डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। ओके वहाँ से ये डिवाइड कर दिया हमने सेप्टा वेंट्रिकुलर सेप्टम इमीडिएटली डिवाइड इनटू द राइट एंड लेफ्ट बंडल। राइट और लेफ्ट दोनों में डिवाइड कर दिया। ओके आफ्टर दैट लेफ्ट बंडल दीज ब्रांचेस गिव राइज टू द माइन्यूट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड इज कॉल्ड प्रोकुंजिया फाइबर्स। ये जो अलग अलग अपनी साइड्स में डिवाइड हो गए इनको क्या कहते हैं हम, इनको हम पुरकुंजे फाइबर कहते हैं। सॉरी ये एक तो कैमरे का एडजस्ट ठीक से नहीं हो पाता इस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। सॉरी वो टेढ़ा हो गया था मुझे पता नहीं चला था। ओके बंडल ऑफ नोडल टिश्यू हो गया ये दीज ब्रांचेज माइन्यूट फाइबर ये बता दिया पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं इनको। क्या कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स दीज फाइबर्स अलॉन्ग विद राइट एंड लेफ्ट बंडल आर नोन एज बंडल ऑफिस। ये जो लेफ्ट और राइट में होते हैं इनको क्या बोलते हैं अपने अपनी साइड के बंडल ऑफिस कहलाते हैं ये। द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली। ये जो नोड है इस नोड की बात हो रही है नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली इट इज ऑटो एक्साइटेबल। ये रहा ऐसे नोट के बारे में मैंने लिखा हुआ है इट इज़ ऑटो एक्सिटेबल। इसको कोई भी बाहर से ज़रूरत नहीं होती कुछ भी इसको एक्साइटेड करने के लिए। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ माइन्यूट वरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम द साइनो एट्रियल नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये जो साइनो एट्रियल नोड है ये बहुत सारे एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है जैसे कि कितने 70 से 75 वाली जनरेट करता है हमारे हार्ट में एक मिनट में एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्स्ट्रक्शन। रिदमिक कॉन्स्ट्रक्शन का मतलब समझ रहे हैं आप, रिदम मतलब कोई भी है काम वो रिदम में हो रहा है एक रिदम चलती है। तो ये क्या है ये काम करता है एक रिदम में एक तरीके से वे में एक देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेसमेकर। तो इसको ऐसे नोट को पेसमेकर भी कहते हैं। और हार्ट नॉर्मली बीट 70 से 75 टाइम्स इन अ मिनट। जैसे कि आप जानते हैं हमारा हार्ट 70 से 75 बार धड़कता है नॉर्मली इसको हम 72 बार कहते हैं कि दिल कितनी बार धड़कता है दिल 72 बार धड़कता है। ओके गाइज तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कार्डियक साइकिल के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके बाय।